ये क्या है? हेलो दोस्तों, ये सीरीज की तीसरी कहानी है। यदि आपने इसके बाकी दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें देख सकते हैं। द बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स वाइल्ड थिंग्स। कॉलेज के एनुअल स्पोर्ट्स में मेरी की डाइविंग का इवेंट चल रहा था। वहां पर उसके सौतेले पिता क्लिंटन भी आए हुए थे। मेरी की माँ की मृत्यु के बाद वो अपने पिता क्लिंटन के साथ रह रही थी। मेरी की माँ अपनी वसीयत में 3 हीरे छोड़ गई थी, जिसे उसके पिता ने उसे ना देकर अपने पास रख लिया था, जिसको लेकर मेरी के रिश्ते अपने सौतेले पिता के साथ अच्छे नहीं थे। वहां पर एक लड़की एलिना भी होती है। क्लिंटन उसे शाम को पार्टी में बुलाता है। एलिना एक गरीब लड़की थी जो पुलिस रिमांड पर थी। वो काउंसलिंग पर थी, जिसे पुलिस स्टेशन से एक निर्धारित दूरी पर रहने का सख्त आदेश था। क्लिंटन के घर पर पार्टी चल रहा होता है, तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और क्लिंटन को पैसे के लिए धमकाते हैं। वो उसकी एक उंगली भी काट देते हैं। क्लिंटन के बिजनेस में काफ़ी घाटा हो रहा था, जिसके चलते वो पैसे की तंगी में था। मेरी को शक था कि उसके पिता तंगी के चलते हीरे ना बेच दे। पार्टी में एलिना आती है, जहाँ उसकी झगड़ा मेरी से हो जाती है। क्लिंटन इसके लिए मेरी को डांटता है और एलिना को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन एलिना क्लिंटन पर जबरदस्ती का आरोप लगा देती है। पुलिस क्लिंटन को शक के आधार पर अरेस्ट कर लेते हैं और सबूत जुटाने में लग जाते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में उन्हें एलिना के शरीर के ऊपर फिजिकल एविडेंस, जैसे दांत से काटना, नाखून से नोचना और स्पर्म की छींटे मिल जाते हैं, जिसके आधार पर आरोप तय भी हो जाते हैं। जब बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्लिंटन और मेरी एलिना के साथ समझौता करने पर राजी हो जाते हैं और पैसे की जुगाड़ करने के लिए हीरा बेचने को राजी हो जाते हैं। क्लिंटन अपने हिस्सा मेरी के नाम कर देता है, जिसके चलते मेरी हीरो का पूरा मालकिन बन जाती है। उसी रात मेरी के घर पर एलिना और फॉरेंसिक डॉक्टर आते हैं। तब पता चलता है कि मेरी, एलिना और फॉरेंसिक डॉक्टर तीनों मिले हुए थे और सारे प्लानिंग हीरा हड़पने का था। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान एलिना अपनी बयान से नहीं बदलती, जिसके चलते कोर्ट सबूतों के आधार पर क्लिंटन को 15 साल की सजा सुना देता है। क्लिंटन पुलिस ऑफिसर को सारे बात बता देता है और ये भी कि उसकी बेटी हीरा हड़पने के लिए सब प्लान कर रही थी। पुलिस ऑफिसर को पहले से इस केस पर शक था। वो पूछता है समझौता के लिए आइडिया किसका था। क्लिंटन बता देता है आइडिया मेरी का था। यह सब सुनकर पुलिस ऑफिसर मामले की तह तक जाने का निर्णय लेता है। एक रात पुलिस ऑफिसर एलिना के घर पर चुपके से घुस जाता है, जहां उसे पता चलता है एलिना पर क्लिंटन का शक बिल्कुल सही था। पर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था क्लिंटन के खिलाफ सारे सबूत जुटाए कैसे गए थे। ऑफिसर को लगता है एलिना और मेरी झूठे सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिए हैं। पुलिस ऑफिसर मेरी से पूछताछ करने के लिए कॉलेज जाती है, पर मेरी बड़ी चालाकी से सारे बात टाल जाती है। पुलिस ऑफिसर फॉरेंसिक डॉक्टर से भी पूछताछ करते हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर को अंदेशा नहीं था कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगा। वो इस सबसे बहुत घबरा जाता है और मेरी के घर पहुंच जाता है। वो हीरो को जल्द से जल्द बेचने को बोलता है, तो मेरी बोलती है जब तक सही पैसे नहीं मिलेंगे तब तक हीरा नहीं बेचा जाएगा। डॉक्टर इस बात को लेकर बहुत गुस्सा होता है, दोनों में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। डॉक्टर उसके ड्रिंक में नशा मिलाकर हीरा हड़प लेता है और बेचने चला जाता है। मेरी और एलिना डॉक्टर का पीछा करते हैं। जंगल में डॉक्टर उन्हें मिल जाता है। मेरी उसकी हत्या कर देती है और एलिना को लाश को ठिकाने लगाने को बोलकर हीरा बेचने निकल जाती है। हीरा के खरीदार हीरा लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो हीरा नकली था। एलिना पुलिस स्टेशन से परमिटेड दूरी से ज़्यादा दूर थी। उसकी डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते पुलिस उसे ढूंढते हुए जंगल तक पहुंच जाते हैं। एलिना अकेले लाश को ठिकाने नहीं लगा पाती, पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पुलिस ऑफिसर को जब एलिना से पता चलता है हत्या मेरी ने किया था, वो उसे सरकारी गवाह बनाने को बोलते हैं। एलिना बचने के लिए सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाती है। उसे सिर्फ मेरी के मुंह से कबूल करवाना था कि डॉक्टर का खून मेरी ने किया है। एलिना रात को मेरी के घर पर जाती है तो क्लिंटन का वकील उसे वहां मिलता है, जो उसे यह बता देता है कि असली हीरे ऑफिस के लॉकर में रखे हुए हैं। एलिना और मेरी जेल में जाते हैं और तिजोरी के पासवर्ड के बदले माफीनामा देने की वादा करते हैं। क्लिंटन इसके लिए राजी हो जाता है। वो किसी भी हालत में जेल से निकलना चाहता था। वो पासवर्ड दे देता है। एलिना और मेरी पासवर्ड लेकर हीरा निकालने ऑफिस चले जाते हैं। एलिना पुलिस सर्विलेंस में थी। वो बार बार कोशिश करती है पर मेरी से हत्या कबूल नहीं पाती। एलिना बहुत गुस्से में आ जाती है और मेरी पर गन तान देती है। मेरी भी तिजोरी से गन निकाल लेती है और फायरिंग करने लग जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस ऑफिसर और काउंसिलर दोनों अंदर आ जाते हैं। काउंसिलर की गोली से मेरी की मृत्यु हो जाती है। जब पुलिस ऑफिसर एलिना से हीरे के बारे में पूछती है
तो एलिना साफ मना कर देती है कि तिजोरी में कोई भी हीरा नहीं था, जिसको लेकर मैरी बहुत गुस्से में आ गई और फायरिंग करने लगी। काउंसिलर एलिना को सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचाने का वादा करके अपने साथ घर ले जाती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को इंतजार करते हुए सुबह से दोपहर हो जाते हैं, पर ना तो एलिना का कोई पता था और ना ही काउंसिलर की। पुलिस ऑफिसर परेशान था। तभी पुलिस स्टेशन पर FBI के ऑफिसर आ जाते हैं। वो सारे बात ब्रीफ करते हैं, जिससे पता चलता है एलिना काउंसिलर की नाजायज संतान थी। वह रिमांड पर कभी थी ही नहीं। रिमांड का खेल माँ और बेटी ने पुलिस को धोखा देने के लिए रचाया हुआ था, और काउंसिलर ने पुलिस लॉकर से सबूत के करोड़ों रुपए चुरा लिए थे, जबकि एलिना ने क्लिंटन के लॉकर से हीरे निकाल लिए थे। कुछ ही दिन बाद काउंसिलर और एलिना को दिखाया जाता है जो छुट्टी मना रहे थे। तब पता चलता है कि असली प्लान माँ और बेटी की थी, जिनके साथ क्लिंटन भी शामिल था। मेरी और फॉरेंसिक डॉक्टर सिर्फ मोहरे थे। एलिना क्लिंटन की ड्रिंक में नशा मिला देती है और नशे के कारण क्लिंटन पहाड़ी से गिर जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। और इसी के साथ कहानी का समाप्ति हो जाती है। आशा है कहानी आपको अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्द।